नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर निकाली जाएगी आकर्षक झांकियां, डीएम और एसएसपी ने सैनिक कंपाउंड का लिया जायजा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डीएम ने बेटियों को सशक्त बनाने का दिया संदेश। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, कचहरी थाना क्षेत्र का है मामला। प्रधानमंत्री के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई भागलपुर की बेटी, बिहार का किया प्रतिनिधित्व। और गोरैया संरक्षण के लिए चहचहाहट प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। भारत इस साल 26 जनवरी को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गौरतलब है कि इसी दिन वर्ष 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। वह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल सितंबर महीने में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया था। यह पहला मौका है जब यहां गणतंत्र दिवस की परेड होगी। इधर भागलपुर सैनिक कंपाउंड में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य झंडोत्तोलन समारोह के पूर्वाभ्यास का जायजा मंगलवार को डीएम एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने लिया। मॉक ड्रिल के तहत 26 जनवरी को होने वाले सभी कार्यक्रम को रिवाइज किया गया। बता दें कि 26 जनवरी को लेकर पिछले कई दिनों से भागलपुर के सैनिक कंपाउंड में रिहर्सल परेड किया जा रहा है। वही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सैनिक कंपाउंड में सुबह 9 बजे प्रमंडलीय आयुक्त दया निदान पांडे झंडोत्तोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस पर झांकियां भी निकाली जाएंगी। समारोह में आमंत्रित लोगों के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर जिला पुलिस बल के अलावा बीएमपी, सीआईटी, एनसीसी और स्काउट के बच्चे भी परेड में अपने जौहर का प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इधर सैनिक कंपाउंड में भीड़ लगने की संभावना को देखते हुए एसएसपी आनंद कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सैनिक कंपाउंड के दोनों मुख्य द्वार पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। मौके पर डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीओ धनंजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। फाइनल रिहर्सल का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, सब लोगों का ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है किया है। और इस बार पहली बार कोविड के बाद जो है एक तरह से किसी तरह की बंदिश नहीं है, तो इसमें काफ़ी संख्या में आगंतुक भी आएंगे। वैसे हम लोग ऑनलाइन भी जो है पूरे कार्यक्रम का प्रसारण हम लोग कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और 11 झांकियां इस बार, ये तीसरा साल होगा जो तो आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण बंद था, झांकियों वगैरह का प्रदर्शन नहीं होता था, तो 11 झांकियां भी रहेंगी। और जितने भी हमारे प्लाटून्स हैं, ट्रूप्स हैं, जो सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन सब कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बेटियों को सशक्त बनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को समाप्त करना होगा। वैसे तो सरकारें बेटियों को आगे बढ़ाने के सतत प्रयास कर रही हैं, लेकिन बेटियों के लिए भयमुक्त वातावरण की रचना करना समाज की भी जिम्मेदारी है। भागलपुर समीक्षा भवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों के सैकड़ों स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंची स्कूली छात्राओं को शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान समीक्षा भवन में सैकड़ों स्कूली छात्राएं सहित कई शिक्षिकाएं मौजूद थी। जिन बच्चों ने अच्छा किया है उनको पुरस्कृत भी किया गया है। और आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी लड़कियां जो हैं वो आई हुई हैं,
तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। कई सारी स्कीम्स जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं, जिससे कि जो है काफ़ी फ़ायदा जो है वो लड़कियों को मिल रहा है, चाहे वो एक तिहाई से ज़्यादा नौकरियों में आरक्षण हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, या स्कूल्स में जो सुविधाएँ मिलती हैं। और इसी का परिणाम है कि अब कोई भी नौकरी हो, चाहे वो ग्रुप सी, ग्रुप डी, कांस्टेबल, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, तो आपको काफ़ी संख्या में जो है वो महिला कर्मी पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास शुरू किया था, या जो जीविका जो पूरे एक आंदोलन के रूप में है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी बच्चे भी जो हैं लड़कियाँ उत्साहित हैं। तो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद दे देता हूँ। भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट 6 पन्नालाल की कोर्ट के द्वारा नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म मामले में आरोपी नीलेश यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल कजरेली थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2018 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वह इस कांड में नीलेश यादव आरोपी बनाए गए थे, जबकि एक नाबालिग अभिषेक कुमार को आरोपी बनाया गया था, जिसका मामला किशोर न्यायालय में चला गया था। नीलेश यादव का मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। पिछले साल ही उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद कोर्ट में पेशी और गवाही के बाद आज उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वही 2.5 लाख का जुर्माना भी आरोपी को लगाया गया है। साथ ही सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की कोर्ट ने आदेश दिया है। रेप करने के बाद उसको जान मारने के नियत से गला पर गड़ासे से काटा गया। लड़की बेहोशी अवस्था में जब थी तो मृत समझकर वो भाग गए थे। वो अभियुक्त थे नीलेश यादव और उसके साथ एक अभियुक्त और थे जो अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार किशोर न्याय बोर्ड चले गए। यहाँ एक अभियुक्त जो नीलेश यादव थे वो उस समय से घटना के बाद पकड़ में नहीं आ रहे थे। 4 साल वो फरार ही रहे। यहाँ न्यायालय से कुर्की वारंट वगैरह सब भेजा गया। 4 साल के बाद वो पकड़ के आए। आज श्री पन्ना लाल सर जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है एडीजे 6, उनके न्यायालय में इनको सजा के बिंदु पर सुनने के लिए आज रखी गई थी, जिसमें इन पर 363, 365, 307 और पॉक्सो की धारा 6 में सजा दी गई। इसमें 363 में 7 साल की सजा, 25,000 रुपये अर्थदंड, 365 में 7 साल की सजा, 25,000 रुपया दंड, 307 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड, और पॉक्सो की धारा 6 में आजीवन कारावास, मृत्यु उपरांत शेष जीवन काल तक इनकी सजा बरकरार रहेगी और 1 लाख रुपया अर्थदंड। जितने भी अर्थदंड है उसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी। दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के डॉक्टर मृणाल शेखर और भागलपुर के पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर की पुत्री अपूर्वा सिंह ने भाग लिया। अपूर्वा ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी पर अपने विचार रखे। देश के सबसे कम उम्र की प्रतिभागी के तौर पर अपूर्वा के विचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने अपूर्वा की पीठ भी तपतपाई और देश के अलग अलग हिस्सों से आए 26 प्रतिभागियों के साथ नरेंद्र मोदी ने पीएमओ ले जाकर संवाद करते हुए नेताजी के विचारों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। वही इतने बड़े मंच पर बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपूर्वा काफी उत्साहित दिखी। साथ ही डॉक्टर प्रीति शेखर अपनी बेटी के इस सराहनीय कार्य से काफी खुश दिखी। अपूर्वा के द्वारा संसद भवन में दिए गए वक्तव्य से पूरे आंध्र प्रदेश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पूर्ण हो चुकी है। इस सुनहरे अवसर पर मुझे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वो भी पार्लियामेंट में इतनी कम उम्र में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक पूरे जितने भी लोग यहाँ एक एक स्टेट से, मतलब हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे छोटी मैं हूँ। इस कम उम्र में इतनी बड़ी ऊँचाई हासिल करना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो आज हम लोग पहले तो पार्लियामेंट गए, वहाँ लोकसभा राज्यसभा देखा, उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया स्पीच, फिर हम लोगों ने सेंट्रल हॉल गए और वहाँ पे बहुत बड़े डिग्निट्रीज आए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी,
ऐसे बहुत सारे डिग्नेटरीज थे, फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, बातें की, उसके बाद फिर हम लोग वापस लंच किए पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद हम लोग PMO गए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, उसके बाद वो वहाँ आए, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हुआ एंड उसके बाद उन्होंने इंटरेक्ट किया हम लोगों के साथ एक घंटा, जिसमें कि उन्होंने हमसे लाइक अनेक सवाल पूछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए, वो बताए कि एक सच्चे देशभक्त की पहचान क्या है, और ये बहुत बड़ा मौका था, लाइक बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई कैन एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। सो इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सबको जाता है और बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही हमेशा बना रहे मेरे पर और मैं ऐसे ही कामयाबी हासिल करती रहूं और आपका बिहार का और पूरे भारत का नाम ऐसे ही ऊंचाई पर पहुंचाऊं। धन्यवाद। मेरे लिए खासकर अपूर्वा की माँ के तौर पर आप मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी ने आज बिहार का प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में उसने अपना प्रतिनिधित्व किया और आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और भी अन्य डिग्निटरीज़ के सामने उन्होंने अपना सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया बिहार की ओर से। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो पूरा समूह पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चयन हुआ था उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही और इतने कम उम्र में इसने ये मुकाम हासिल किया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं इसके लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये आगे भी इसी प्रकार से ऐसी कामयाबी मिले और ये देश के लिए गौरव का कार्य करते रहे। इनसे हम सबों को एक जो इसने हर्ष और खुशी का जो एक अवसर प्रदान किया है वो सदैव करती रहे। गौरैया की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, कुछ साल पहले गौरैया नजर भी आती थी लेकिन अभी के समय में ये शायद ही कभी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण भारत में पहले के मुकाबले प्रदूषण का अधिक होना है। गौरैया के चहचहाने की आवाज काफी शांत और खुशमिजाज होती थी। दुनिया में इसकी प्रजातियों की संख्या फिलहाल 43 है लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पर बढ़ रही है। गौरतलब है कि गौरैया एक ऐसी प्रजाति का पक्षी होता है जो अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। छोटे आकार का ये पक्षी आमतौर पर 5 से 7 साल तक जिंदा रहता है। पेड़ों की कटाई, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के कारण इसकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। गौरैया प्रजाति विलुप्त ना हो उसको लेकर आज भागलपुर में प्रकृति के रंग जीवों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया गया, साथ ही आम लोगों के लिए मिट्टी और लकड़ी से बने घोंसले निःशुल्क वितरण किए गए। मौके पर संजय कुमार और गौरव सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौरैया को संरक्षित करना है। उन्होंने लोगों से आसपास के परिवेश में पशु और पक्षी का ख्याल रखने की बात कही ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है ये हमारी गौरैया और एनवायरमेंटल बैरियर के साथ में WI है और नमामि गंगे के भी हैं और सृजन भी है, तो ये 4-5 संस्था मिलकर यहाँ पर एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं खासकर गौरैया संरक्षण को लेकर, साथ ही वेटलैंड के संरक्षण को लेकर, क्योंकि लोगों के बीच अभाव है जागरूकता को लेकर। और मूलतः आज जो कार्यक्रम रखा गया इसमें निःशुल्क हम लोग घोंसला बांटेंगे मिट्टी के, लकड़ी के, प्लाई के बने हुए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गौरैया जो है हमारी राजकीय पक्षी है, वो विलुप्ति के कगार पर है लेकिन कगार पर है नहीं, मतलब पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ, भारत में इसकी संख्या भी स्थिर है। तो उसे संरक्षण देने के लिए, क्योंकि कंक्रीट के जंगल ने उसका अधिवास छीन लिया है, घर छीन लिया है, गौरैया घर आंगन में चलती थी, कूदती थी, फुदकती थी, तो उसको हम आवाज़ देते हैं क्योंकि घोंसले में वो अंडे देती है, नवंबर से लेकर आपका जून तक अंडा देने का उसका चलता है, जब ये घोंसला लगाएंगे तभी तो अंडे देगी, तभी तो इसकी संख्या बढ़ेगी। तो गौरैया की घर वापसी का एक अभियान आप कह सकते हैं और एक चचाहट नाम दिया गया है। चचाहट का मतलब जब गौरैया आपके घर आंगन में चीची की आवाज़ करती है तो आपको एक सुकून मिलता है, इसे लोग जोड़ते हैं कि ये धार्मिक है और लक्ष्मी का वास इसे माना जाता है, जिस घर में रहती है तो सुख समृद्धि की बात होती है। तो इसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कई लोग हैं, निशांत हैं, अभिषेक हैं और कई तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, खासकर जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और इसे एक आंदोलन के रूप दे रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर समाहरणालय के सामने ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र के द्वारा गणतंत्र दिवस और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में ग्राम रक्षा दल के पुरुष और महिला सदस्य हाथों में तिरंगा लिए हुए पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों से हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाकर चलने की अपील करते नजर आए। वहीं सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की गई। तो बताएंगे कि आप हेलमेट पहनिए और नशा नहीं कीजिए, क्योंकि नशा करने के बाद वो संतुलित हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और हेलमेट पहनने से आपका माथा बचेगा। इसी वजह से हम लोग संदेश देने आए हैं गणतंत्र दिवस पे कि अब आप रोड में गाड़ी चलाइएगा तो नशा नहीं कीजिएगा, यही हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं सर। भागलपुर के चौधरी डी के विशनपुर जीछो पंचायत अंतर्गत मेहमदाबाद हरिजन टोला में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत पानी का टंकी भी लगाया गया है और बोरिंग भी हुआ था, लेकिन इसमें खराबी हो जाने के कारण पिछले कई माह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गाँव से काफी दूर जाकर पीने का पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है। हालांकि समस्या की शिकायत मुखिया से लेकर अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक गांव वालों की समस्या का हल नहीं निकल सका। वहीं ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि मुखिया की मनमानी के कारण ही आज तक गांव का कोई काम नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो वे लोग आंदोलन करेंगे। पानी व्यवस्था नहीं थी, नाली व्यवस्था, वोट के हमरा से आबै छ न कोई भंजनी त सब घिची ले छ उधरे आ अहमदाबाद वाला गेल जे छ पानी के वास्ते सब ना लहार व्यवस्था, ना कोचियो व्यवस्था, ना ट्रांसफार्मर व्यवस्था, ना चौपाल रो व्यवस्था, ना आरो कुछ व्यवस्था, ना रोटो व्यवस्था। आखिर पानी तो अभी तो मिलिए ना रोजन 10-15 साल ऐसा पानी पीबी तखनी तो पानी दू चार महीना चल आ तेकरो बाद जब वोट हुआ लाले वोट होला बाद वोट अपना जरा मन देवे करी छे बाबू अब मैं सब कना कना करके न करके हरी गए जरा हाथ में कल छे वो हरी गए बस आस्ते आस्ते पानी में बंद कर पानी नहीं दिया। हम लोग टाउन से पानी लेकर को पीते हैं, बहुत दिक्कत है हम लोग का पानी का, परेशानी हो जा नहीं बोला कि बोले तो बार का बोला कि हम देंगे फिर नल आया है देंगे देंगे फिर परसों भी चेकिंग में आया कि नल 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 नहीं दिया हमारा कि नल देंगे आगे गड़ा देंगे नल हमारा वाट आया था बोले हैं तो अब तक नल नहीं दिया हम लोग को। सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र के करहरिया पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 1.5 वर्ष पूर्व दो जगहों पर सामाजिक शौचालय बनाए गए थे, साथ ही पंचायत को ODF भी घोषित कर दिया गया, लेकिन दोनों जगहों पर पानी एवं मेंटेनेंस के अभाव के कारण शौचालय बंद पड़ा हुआ है। वही स्थानीय महिला ने बताया कि सरकार के द्वारा एक जगह पर 2,10,000 की लागत से शौचालय का निर्माण किया गया था। शौचालय के ऊपर टंकी भी लगा हुआ है, लेकिन पानी एवं साफ सफाई नहीं रहने के कारण सभी शौचालय बंद पड़ा हुआ है, जिसको लेकर सभी ग्रामीणों को रात के समय में भी खेत में जाना पड़ता है। जब इस मामले में प्रखंड स्वच्छता समन्वयक अमित सिन्हा से पूछा गया तो वह कुछ भी कहने से बचते दिखी। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मंटू कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा पैसे का आवंटन नहीं हुआ है, पैसे के आते ही मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। शौचालय जाए छो ग्रामा? नहीं जी गंदा जी। केनन जाए छो? पानी की जी व्यवस्था? पानी की व्यवस्था नहीं छे? नहीं जी। आरो आरो गंदा रहे छे? गंदा रहे जी। साफ सफाई करे ल कोई नहीं आवे छे कर्मी? कोई नहीं आवे जी। कत्ते दिन से न परलो छ स्थिति? दियास बोलो छ यही सर। तनी उनी छै शौचालय में जाय ल?
पानी वहाँ शौचालय पहुँचा वहाँ गरैल रहती है मोटर लगे सब की कहाँ होले खराब होले की होले पता नहीं को सुविधा नहीं रहे कारण आप लोग नहीं जाए नहीं कोई नहीं जाए। तीन दिवसीय पूजन के बाद माघी काली की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा मंगलवार को निकाली गई। विसर्जन के दौरान समाज के पुरुष महिला एवं बच्चे उपस्थित रहे। विसर्जन के लिए प्रतिमा को इकचारी बाजार से निकालकर इकचारी रेलवे स्टेशन होते हुए त्रिमोहा लाया गया, जिसके बाद गंगा नदी में विधि विधान से प्रतिमा का पूजन कर विसर्जन किया गया। मौके पर रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार, अमरंडा थाना अध्यक्ष रवि कुमार, सनोखा थाना अध्यक्ष रंतीश भारती समेत काफी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर निकाली जाएगी आकर्षक झांकियां, डीएम और एसएसपी ने सैंडस कंपाउंड का लिया जायजा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डीएम ने बेटियों को सशक्त बनाने का दिया संदेश। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, कचहरी थाना क्षेत्र का है मामला। प्रधानमंत्री के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई भागलपुर की बेटी, बिहार का किया प्रतिनिधित्व। और गोरैया संरक्षण के लिए चहचहाहट प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।